year of construction 1920. हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 28 अप्रैल 2022 और अभी मैं हूँ अपने पापा के साथ। हाय पापा, कैसे हो आप? बढ़िया। काफी दिनों बाद आपकी मुलाकात हो रही है व्यूअर्स से। सो यार, हम दोनों जा रहे हैं आज। हम दो नहीं, हम तीन है ना पापा? अभी तो दो ही है, तीसरा पता नहीं कहाँ है। तीसरा आएगा, मतलब वो भी आएगा। सो अभी हम लोग जा रहे हैं, मोस्ट फेमस प्लेस है वो, फेमस ही है बोले तो, कुल्लू का बहुत फेमस प्लेस है वो, काइसधार। जी हाँ, हम लोग वहाँ का ट्रैक आज करेंगे। लोट तक गाड़ी जाती है ना, लोट से ऊपर हम लोग को पैदल जाना है। सो अब आपको मिलते रहेंगे बीच बीच में। तो वो तीसरा पर्सन जो था वो है पालू भैया, और पालू भैया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सो यार, जाने से पहले हम लोग रुके हैं यहाँ पे चुंगी के पास, गांधीनगर। अंदर चले गए, गांधीनगर में रुके हैं यहाँ पे सिटी चॉइस पे, तो भोजन वगैरह ग्रहण करते हैं पहले। हमारा भोजन लग गया है, ये है 70 रुपए वाली डाइट तो, और खाना अच्छा है, बहुत अच्छा खाना। रोटी बढ़िया, तो देखो अभी हम लोग लौट के आधे रास्ते में पहुंचे हैं, तो आधे नहीं, कवर हो गया है ना बाबा। तो ये देखो कितना प्यारा घर है, लकड़ी वाला। चलो, बहुत ही प्यारी प्यारी, प्यारा सा प्लेस है ये यार, विजिट करना आप लोग भी पक्का। सो हम लोग पहुंच गए हैं लौट, और पापा ने गाड़ी पार्क कर दी यहाँ पे। और ये जो जगह है यहाँ पे, मतलब बस वगैरह वो होती है, मुड़ती है यहाँ पे बस, तो इधर खुला स्पेस है। अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे इस वाले रास्ते से, जाए भैया खड़े बालू भैया, यहाँ से सीधे सीधे आगे को जाएंगे। यहाँ से अब हमारा काइसधार का ट्रैक जो है वो शुरू होता है। पता है कुछ आप लोगों को कितना किलोमीटर है? 3 किलोमीटर पैदल जाना है हमको यहाँ से ऊपर को, ऐसी खड़ी चढ़ाई है। और सच बोलूँ ना, यहाँ पे ऐसी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, वाह बहुत प्यारी हवा चली है। हम लोग गलत रास्ते से चले गए थे ऊपर से, एक्चुअली रास्ता नीचे से है, तो यहाँ से हम लोग अब जाएंगे बहुत ही प्यार से, आराम से। और लेकिन मेरी हालत ख़राब होने वाली है, चलने को बहुत है गांव में, चल के ऐसे घर आपको देखने को मिलेंगे। ओ भाई, मेरी सांस भी फूल रही है, अभी तो आधा ही रास्ता क्लियर हुआ है। इसको क्या बोलेंगे, भेड्डू है ये ना। हाँ, इतने प्यारे प्यारे घर हैं यहाँ से, और वहाँ पे कोई गांव है, अभी ये पता नहीं कौन सा है। चलते चलते हम लोग बैठ गए। कितना चले पापा अभी तक? अभी कहाँ चले, मेरी हालत ख़राब हो गई है। भैया चल रहे हैं, भैया अपना मस्त चल रहे हैं, क्यों? हाँ जी हाँ जी, आपको आदत है? हाँ जी हाँ जी, आदत है आपको? इसकी बहुत ज़रूरत है पूरे सफ़र में। अभी तो हम लोग आधा किलोमीटर भी नहीं चले। दिस इज द हेवन गाइज, इस जितना सुंदर जगह कोई नहीं है, मतलब हमारा हिमाचल बहुत प्यारा है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे कोई नहीं है, कोई भी नहीं, मैं, मेरे पापा और एक भैया है बस। अभी हम लोग थोड़ा सा, मतलब अब जाके हम लोग आधे रास्ते में पहुंचे हैं। व्यू देखो कितना प्यारा व्यू है, दूर दूर तक कोई नहीं है, घर है, घर में भी ताले लगे हुए। हालत खराब हो गया, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है मुझे। सो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना, लेकिन मज़ा आ रहा है जो भी बोलो। कहाँ से दूर से आए हम लोग चल के पैदल,
फाइनली हम लोग पहुंचने वाले हैं, और जिस रास्ते से हम चल रहे हैं वो स्टार्ट हो गया काशधार का रास्ता। तो हमारे ठीक आगे बहुत ही खतरनाक सा व्यू है, गिरेंगे तो सीधा नीचे जाएंगे, नीचे वो देखो। तो मैं आपको ज़रा थोड़ा सा दिखाऊं, और बहुत मेहनत लगी है यहाँ तक पहुंचने को मेरे को यार, अभी भी मुंह सूख रहा है बोलते हुए, बट चलो आप लोगों के लिए इतनी मेहनत तो बनती है। ये देखो रास्ता कितना प्यारा सा रास्ता है, और वैसे ही खतरनाक भी है क्योंकि नीचे गिर सकते हैं। बाकी ये देखो ज़रा बहुत ही ज़्यादा टॉप पे आ गए हम लोग। Finally we reached the Kaishthar. पापा बात कर रहे हैं फोन में, बट यहाँ पे इतनी शांति है ना कि हमें अपने जूतों की आवाज भी सुनाई दे रही है। वाह ये देखो जगह यार, इसको बोलते हैं स्वर्ग। ये है जोत के फ्लावर्स, वाह यहाँ देख सकते हो आप। ये देखो ये तो नीचे बिल्कुल नहीं मिलेंगे रहा है ना शहर में, मतलब ही नहीं है, और मौसम भी खराब हो रहा है, अब तो शायद हम यहीं फंस जाएंगे। फंसने तो नहीं वाले इतना तो पता है, लेकिन इतना चलना ना मतलब वैलिड था है ना। इतना चलने के बाद इतना ब्यूटीफुल प्लेस हमें देखने को मिल रहा है, तो यार खुद में बहुत ही सही वाली फीलिंग आ रही है। सो ये काशधार में एक खोखा जैसा है, खोखा ही बोलते हैं हम तो खुड़े है, सच में खुड़ है। तो यहाँ पे पापा रेस्ट कर रहे हैं। सो यार अभी हम लोग पहुँच गए काशधार में, एक रेस्ट हाउस है यहाँ पे, तो ये जो मतलब थक जाते हैं फिर यहाँ पे रह सकते हैं, आई थिंक यहाँ पैसे पूसे लगते हैं, तो अभी अंदर जाके पूछेंगे फिर पता लगेगा कि क्या है क्या नहीं है। बाकी मस्त मज़ा आ गया। तो ये रेस्ट हाउस, और ये फॉरनर्स ने बनाया हुआ है इधर, ये वाला रेस्ट हाउस। इकतालीस सौ पचहत्तर रुपए। अच्छा इतने रुपए में बना है ये, 1900 कितने में, 20 में। तो देखो यार 1920 में ये जो रेस्ट हाउस है ये बना है, वाह ये देखो। हाँ खुलवाते हैं यार, 8300 फीट इसकी ऊंचाई है। ओके तो यहाँ पे देखो इधर पूरा लिखा हुआ है काशधार। ओके ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन 1920 एंड 21, उतने में ये बना है। ये देखो 1920 में बना है। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 4175 रुपीस में ये बना है। वाओ यार इस देखो 8300 की ऊंचाई पे है, लैटिट्यूड वगैरह लिखा हुआ है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड। ऐसी जगह ना बहुत कम होती है, और फॉरनर्स की बनी हुई है जगह, मतलब उस टाइम की बनी हुई जगह आज भी वैसी ही है। आई थिंक कलर वगैरह तो किया होगा, नहीं कलर वही वैसा ही है, कलर किया है पापा, कलर किया है। ये देखो 1920 में बनाया ये रेस्ट हाउस काशधार में, 1920 में। और इसके साथ एक और रेस्ट हाउस है ये वाला, ये भी उतने में ही बना होगा है ना पापा, सेम दोनों साथ में ही बने होंगे। चिमनीज भी है यहाँ पे, अच्छा इसके अंदर चिमनी है रेस्ट हाउस में, रेस्ट हाउस में बनी है चिमनी, ये देखना आप।
ये देखो मेरे पीछे चिमनी है, चिमनी है ये यार। किस चीज का पत्थर? शैल का? ये देखो गाइस, ये पत्थर देखो कैसा पत्थर है, सीमेंट है ये। कैसा है इस टाइम पे? पिंक पिंक जैसा ना, ये लाइक मिट्टी से बना हुआ है कुछ, है ना। तो यार आप लोग देख सकते हो इतनी ऊंचाई पे ये बिल्डिंग है यहाँ पे बनाई हुई। ये 102 साल पुरानी है, 1920 में बनी है। तो आज देख लो आप, 2022 चल रहे हैं। और इसमें ये देखो चिमनी। कभी आएंगे अगर आप लोग चाहेंगे तो पक्का आएंगे इधर, और परमिशन लेके आएंगे ताकि हम लोग यहाँ पे स्टे भी कर सके। तो बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना, चाहते हो कि हम यहाँ पे रुके तो हम यहाँ पे ऑफकोर्स रुकेंगे। तो बहुत बढ़िया जगह है, देखो यार कितनी पुरानी चीज़ है हमारे कुल्लू में, हमारे हिमाचल में इतनी पुरानी पुरानी चीज़ें हैं अंग्रेज़ों की। मज़ा आ जाता है ऐसी चीज़ों को एक्सप्लोर करने में। तो 102 साल पुरानी, इसके पत्थर भी वैसे ही है जो उन्होंने यूज़ करे थे, बस कलरिंग वगैरह करी है बाद में। बाकी जो इसके दीवार पे पत्थर लगे हैं या जो भी है वो सब कुछ वैसा ही है, सेम वैसा ही जैसा था। तो भी जाते हैं उधर, कुछ खाते हैं वहाँ जाके। तो यार अभी हम लोग आगे यहीं पे इकाईस्थान में एक ऐसा कुछ ये लगा हुआ है खाने खुने का, छोटी सी दुकान है। तो इधर आगे हम लोग अभी यहाँ पे खाएंगे मैगी वगैरह, फिर निकलेंगे घर के लिए। अभी रास्ता बहुत लंबा है नीचे को जाने के लिए यार, फिर मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। लेकिन जो भी है मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आ गया। आप लोग की थोड़ी सी मेहनत लगेगी ना चलने में, बट जब आप लोग यहाँ पहुँचोगे तो आप लोगों को लगेगा कि भाई कहाँ ही आ गए हम, जन्नत में आ गए हम लोग। और मतलब आना भी होगा तो रहने वाला सिस्टम रखना अपना, कि रहने के लिए आना वहाँ पे रेस्ट हाउस में बुकिंग करके आना मतलब। तो हम लोग भी नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो रहने ही आएंगे, तो मम्मी और मेरी बहन को लेके आएंगे। अभी तो खैर पापा और मैं आए थे। सो अब जाते हैं अंदर, खाते हैं, प्यास लग रही है बहुत ज़्यादा, पानी पीते हैं, फिर क्या, फिर चलेंगे नीचे। पी लिया जी भर के पानी? पी लिया? पापा ने नहीं पिया? ओके हम भी पी लेते हैं, ये मेरा ही गिलास है ना। तो यार अभी ये मंगवाया यहाँ पे ऑमलेट एंड ब्रेड, तो खाते हैं। पापा ने चाय भी मंगाई लेकिन मैंने चाय नहीं पीनी है यार, चाय मेरे को अच्छी नहीं लगती। इतना खाना पीना हो गया, ओए गिलास गिर गया था। मज़ा आ गया आपके बनाए हुए ऑमलेट खाने का, बहुत सही टोस्ट बनाया था, ब्रेड टोस्ट। हाँ जी कुछ बोलोगे, कितना टाइम से हो आप यहाँ पे? मेरे को ये वैसे अपनी जगह में आए हुए मेरे को 3 साल हो गए, वैसे 3 साल मैंने ऊपर गुजारी है फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, जो रेस्ट हाउस है वहाँ 3 साल, वहाँ 3 साल वहाँ पर। अच्छा, ये मेरी अपनी जगह है। और यहाँ पे भी 3 साल हो गए मतलब? हाँ, तीसरी साल ये दुकान निकाल के अपनी है। अच्छा, तीन मतलब 6 साल हो गए टोटल? 6 साल हो गए टोटल, 6 साल से आप ये साल। अच्छा, मतलब अगर किसी को आना होगा जैसे बुकिंग करके आते हैं ना रेस्ट हाउस में, तो खाना वगैरह बनाना होगा? सब कुछ मिलेगा, आप बना दो? सिर्फ नॉन वेज नहीं मिलेगा, नॉन वेज नहीं अपना आप लाओ और बना के हम देंगे। ओके, वेज मतलब? अच्छा, नॉन वेज अपना ला सकते हैं? ला सकते हैं, बना के हम देंगे। ओके ओके, बाकी वेज में सब कुछ बनेगा। अच्छा, फोन नंबर दे सकते हो आप? फिर बिल्कुल बोलो तो अपना नंबर। 98। हाँ जी हाँ जी, 98167 98167 हाँ जी, 48 48 298 298। आपका शुभ नाम? जयराम। जयराम, ओके। आतिश ढाबा? आतिश ढाबा, ये इनका विजिटिंग कार्ड है। टैक्सी स्टैंड में भी मेरा अपना बोर्ड लगा है। अच्छा, कुल्लू टैक्सी स्टैंड? हाँ जी हाँ जी, कुल्लू टैक्सी स्टैंड में बोर्ड भी लगा है। ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, कोई नहीं, ठीक है, नाइस टू मीट यू सर। ठीक है, ओके जी, वेलकम। तो यार मजा आ गया, ऑमलेट खाया हमने, ऑमलेट नहीं ब्रेड टोस्ट खाया हमने, हाँ अंडे वाला ही था। तो
बहुत मजा आ गया। ये है, ये एक मतलब वो है इनका दुकान जो खुली रहती है, बाकी ऊपर भी दुकान है, आई थिंक वो बंद है, तो अभी पता नहीं है। तो हम निकलते हैं, खाना पीना हो गया हमारा, बाय। ठीक है जी, बाय बाय। ओके, हमारे मेहमान बैठो, बिल्कुल बैठेंगे, नेक्स्ट टाइम आएंगे रहने आएंगे नेक्स्ट टाइम। हाँ जी, आप फोन करके आएंगे, आपको फोन करके आएंगे अब आपको। सो होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा आज का व्लॉग। तो ये था काइसधार, अब इस काइसधार को कर देते हैं बाय बाय, और आप सबको भी बाय बाय करते हैं। होप सो आप लोगों को वीडियो देख के मज़ा आया होगा, अगर आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दें चैनल को। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 काइसधार। तो बारिश लग गई, अब निकलेंगे हम सीधे सीधे आगे। बहुत ज्यादा बारिश हो गई यार, स्टार्ट शुक्र है हम लोग गांव में पहुंच गए थे, बारिश स्टार्ट हो गई है, तड़ 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 करके भागना पड़ेगा दौड़ मार के। ओ भाई, शुक्र है हम लोगों ने क्लियर कर दिया था रास्ता पूरा, गांव पहुंच गए थे हम। अब गांव में जाके बारिश हुई स्टार्ट। रास्ते में जाते हुए देखो, बेडू बेडू दिखा हमें यहाँ पे